सुश्री ने जब से नाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं तभी से इंडिया में भी मीटू कैंपेन की शुरुआत हो गई है। आए दिन कोई नया नाम इसमें जुड़ता जा रहा है। जहां बॉलीवुड की क्वीन ने डायरेक्टर विकास बहल की पोल सबके सामने खोली, वहीं हाल ही में कैलाश खेर पर एक महिला पत्रकार द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाने के बाद अब सोना मोहपात्रा ने भी कैलाश को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। जी हां, सिंगर ने एक के बाद एक ट्वीट किए और कहा, जब मैं एक बार कैलाश खेर के साथ एक कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही थी और इसी सिलसिले में उनसे मिलने मुंबई के पृथ्वी कैफे में गई, तब कैलाश ने मेरी जांघ पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो, ये काफी अच्छा है कि तुम्हें एक म्यूजिशियन ने पाया है, ना कि किसी एक्टर ने। इतना ही नहीं, आगे सोना लिखती है कि इस शख्स की बेशर्मी की हद ये है कि ये खुद को सिंपल बताता है, संगीत के लिए खुद को समर्पित बताता है और ऊपर से खुद को भूलने की बीमारी की बात तक कहता है। अगर इसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है तो इसका मतलब इसके लिए तो ये आम बात है। मैं इन दो महिलाओं की ही नहीं बल्कि ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कैलाश ने ऐसा और भी न जाने कितनी ही महिलाओं के साथ किया होगा। तो देखा आपने सोना ने कैसे अपना गुस्सा जाहिर किया है। वेल, अब देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर कैलाश खेर कैसे रिएक्ट करते हैं।